So we are doing a very good question on rupees currency type questions that are given in your books, NCRT, Elements, IB Sherpa. So this is given in Scholar Rosary Water School assignment. Okay. So हम इसको अच्छे से करते हैं, बिल्कुल आराम आराम से करते हैं. तो एक हमारी दीदी है बबीता दीदी, उनके पास कितने रुपए है बेटा? 5 और denominations. Denomination का दूसरा नाम क्या होता है? आप denomination लिख लो बेशक यहाँ पे, या क्या लिख लो बेटा? पेशन. दोनों ही ठीक है. उसके पास कौन कौन से नोट्स हैं बेटा? रुपीज 50 के हैं. Yes. ये फेस वैल्यू होगी बेटा. और इनकी अब नंबर्स की बात करते हैं. नंबर्स कितनी चीजें हैं या कितने नोट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं. यहाँ पे नोट्स की बात हो रही है तो ये नोट्स है. हमें ना ये दिया हुआ है कि 50 और 20 के नोट्स का रेशियो दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? रेशियो 3:2. तो अगर ये 3x होंगे तो ये कितने होंगे? लेकिन रुपीज 10 के नोट की बात ही नहीं करी. लेकिन हमें टोटल नोट तो पता है ना, तीनों मिला के कितने हैं? 20. वैभव तीनों मिला के कितने बेटा? 20. तो 20 में से 3x तो 50 रुपीज के नोट्स हैं और 4x कौन से हैं बेटा? तो रिमेनिंग क्या रहेगा जल्दी बोलो. 20 वाले 3x है तो कितनी वैल्यू होगी जानिए. 50 वाले 3x नोट्स का 150x. बहुत बढ़िया. हाँ जी आप बताइए लाइना, रुपीज 20 वाले 4x हैं तो 80x. बहुत बढ़िया. सहन आप बताइए 10 वाले 20 माइनस 7x है तो 200. ये जो 10 है इस 20 माइनस 7x से जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 20 कितना होगा? 200 माइनस 7. अब ये जितना ये बैक का टोटल वैल्यू आ चुका है ये सर, और राइट हैंड साइड में भी बैक का टोटल वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर दिया होगा. बताओ कहाँ है वो 520 आपको दिया है. एवरीवन ओके विद दिस? यस सर. अब इस इक्वेशन को, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब हमें इसे सॉल्व करना है. सॉल्व करना आप सबको अच्छे से सिखा रखा है. तो बेटा 150 प्लस 80 कितना हुआ? 230x. और rt माइनस 70x करेंगे तो 160x. और ये रिजल्ट 200 है, हम उधर जाके क्या कर देते हैं? तो मुझे एंजल बताएगी कि 520 में से 200 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 320. तो 160x. ठीक है. अब बताओ रफ जोक, 160x इज 320 मींस x की वैल्यू 2, जो कि 0 से 0 कट हो गया और 16 2 जा 32. x की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है. मन का नाम बताओ, x की वैल्यू 2 आ गई तो रुपीज 50 के कितने नोट्स हुए? कितने हैं? 3x है ना बेटा. x की वैल्यू क्या आई है? 2. तो 3 into 2 6. तो 50 रुपीज के कितने नोट्स हुए? 6. पार्थ आप बताओ, 20 रुपीज के 4x नोट्स हैं, x की वैल्यू क्या आ चुकी है? x की वैल्यू 2 आ चुकी है. तो 4 into 2 कितना हुआ? 8. अब मुझे पार्थ बजाज बताएगा, 20 माइनस 7x है रुपीज 10 के अंदर, तो 20 माइनस 7x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2. 20 माइनस 40 इज 6. तो हमारा आंसर क्या आया? 6 50 रुपीज के नोट्स हैं, 8 किसके नोट्स हैं? 20 रुपीज के, और 6 कौन से नोट्स हैं? 10 रुपीज. ये आंसर आ चुका था. अब जब मैं, जो मेरे पास 8 के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं उनको बार बार ये बात समझाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जब 12th करोगे उसके बाद एंट्रेंस में भी थोड़े से टफ लेवल के आते हैं. इतने आसान तो नहीं आते, लेकिन आप बचपन से थोड़ी सी आदत डालो, जब भी आप आंसर निकालो ना उसको आप क्या करो बेटा, वेरीफाई करो. तो
चेक भी बोलते हैं उसको वेरी गुड तो 50 रुपीस वाले अगर 6 नोट्स हैं तो कितने रुपीस हो गए 300 बहुत बढ़िया और 20 रुपीस वाले अगर एक और 10 रुपीस वाले 300 प्लस 160 प्लस 60 कितना 520 तो 520 देना बैक पे देखो Yes, तो ये वाला चेक लग गया yes, जो हमने किया है वो बिल्कुल भी सही किया है